इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा शुरू। राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे एयरपोर्ट में, हाथों में तिरंगा लेकर स्वागत किया। गाड़ी रुकवाकर लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हाथ मिलाकर अभिवादन किया। बारिश के बावजूद लोग उत्साहित दिखे, हाथों में छतरी लेकर एयरपोर्ट पर डटे रहे। पीएम मोदी से होटल के गेट पर भी मिलने पहुंचे लोग, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। दौरे के पहले दिन आज ग्लोबल सीईओ से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले क्वालकॉम और फर्स्ट सोलर के कंपनी के सीईओ से मुलाकात करेंगे। एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण और जनरल ऑटोनिक्स के चेयरमैन विवेक लाल से भी प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात होगी। ब्लैकस्टोन के चेयरमैन के साथ भी बैठक होगी। आज ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के हालात के अलावा द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका की फ्लाइट में काम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए, अपनी एक तस्वीर शेयर की। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। बाइडेन से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूएन महासभा में आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी ने ग्लोबल कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया को मिलकर इस वायरस से लड़ना है। पीएम मोदी बोले, भारत में तेजी से टीकाकरण हो रहा है, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। पीएम बोले, हमने भारत में बनी वैक्सीन को दुनिया के 95 देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ साझा किया है। प्रोडक्शन बढ़ते ही दूसरे देशों में सप्लाई फिर से बहाल की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैक्सीन सर्टिफिकेट को आसान बनाए दुनिया, टीके के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ग्लोबल कोविड सम्मेलन को संबोधित किया। कोरोना को हराने के लिए दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया। ऑक्स को लेकर अमेरिका का बयान, भारत और जापान गठबंधन में नहीं होंगे शामिल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच हुआ है यह रक्षा समझौता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में फिनलैंड, श्रीलंका, चिली और तंजानिया के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान, एशिया प्रशांत समेत ग्लोबल और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने तालिबान को मान्यता देने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को $45 मिलियन की मानवीय मदद दी है। इंडिया टीवी पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा, सिद्धू पंजाब और देश के लिए बड़ा खतरा। अमरिंदर बोले, सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने दूंगा, उसके खिलाफ उतारेंगे उम्मीदवार। राहुल प्रियंका पर अमरिंदर का बड़ा हमला, कहा, दोनों को कोई अनुभव नहीं, सलाहकार चला रहे हैं पार्टी। अमरिंदर सिंह बोले, गांधी परिवार मुझे 50 सालों से जानता है, फिर मुझ पर भरोसा क्यों नहीं। कैप्टन अमरिंदर ने की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ, का काबिल है लेकिन सिद्धू के चुंगल में ना फंसे। इंडिया टीवी से बातचीत में छलका अमरिंदर का दर्द, का हार कर राजनीति नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष कह देती तो पहले ही कुर्सी छोड़ देता। पंजाब के बाद राजस्थान में शुरू बगावत, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा, मेहनत पायलट ने की और फल किसी और को मिला। राजस्थान कांग्रेस के नेता महेंद्र चौधरी का बयान, नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, गहलोत ही बने रहेंगे सीएम। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाया देश को बांटने का आरोप, का भारत को तालिबान नहीं बनने देंगे। ममता ने बीजेपी को बताया जुमला पार्टी, का बीजेपी झूठ बोलती है और बंगाल में दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा कर रोक। भवानीपुर में जीत के लिए ममता का इमोशनल कार्ड, सीएम ने कहा, अगर मैं हार गई तो कोई और बन जाएगा मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाया। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के घर पर हुए हमले का वीडियो सामने आया, 8 से 10 लोगों ने पथराव किया, 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, का बेटे बहू को 1 साल में 53 करोड़ का ठेका मिला। 5 करोड़ रुपए के टिकट मामले में पटना के कोतवाली थाने में तेजस्वी और मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। एफआईआर में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम। 2022 यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सीएम योगी समेत कई नेता शामिल हुए। यूपी चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, 2022 में फिर से रिकॉर्ड सीटों पर जीतेगी बीजेपी। दंगाइयों को सीएम योगी की चेतावनी, कहा, अगर दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी। सीएम योगी बोले, पहले यूपी की पहचान दंगाइयों को संरक्षण देने के लिए होती थी और 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने अमरोहा को दिया 433 करोड़ की परियोजनाओं का गिफ्ट, सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वालों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। अमरोहा में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी दी, कहा, दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों तक जुर्माना भरते रहोगे। संबल में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की जनसभा के लिए लगे विवादित पोस्टर, संबल को बताया गया गाजियों की धरती। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चलाता था मौलाना, 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण किया।
पुलिस का खुलासा, कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को विदेशों से मिले 3 करोड़ रुपए हवाला के जरिए फंडिंग होती थी। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गलत बताया, कहा बीजेपी के पास मुस्लिमों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की अब सीबीआई जांच होगी, योगी सरकार ने सिफारिश की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का सोमवार शाम प्रयागराज के बागम्बरी मठ में लटका मिला था शव, फिलहाल 18 सदस्य एसआईटी कर रही है मामले की जांच। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में आरोपी शिष्य आनंद गिरी और आद्य तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सुसाइड नोट में नाम था। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए बनी एसआईटी ने संदीप तिवारी को गिरफ्तार किया, आद्य तिवारी का बेटा है संदीप। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया, डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए गए। बागम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि रीति रिवाज के साथ मठ में से जुड़े हुए उनको भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरी ने सुइसाइड नोट में समाधि स्थल का जिक्र किया था, नींबू के पेड़ के पास अपनी समाधि बनाने को कहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नरेंद्र गिरी की फांसी में मौत का खुलासा हुआ और विश्वा को सुरक्षित रखा गया। निरंजनी अखाड़े ने महंत के सुइसाइड लेटर को बताया फर्जी, सीबीआई जांच की मांग की। आनंद गिरी को युवा भारत साधु समाज के अध्यक्ष पद से हटाया गया, युवा संतों की बैठक में फैसला हुआ। हरिद्वार में आरोपी आनंद गिरी का आश्रम सील, श्यामपुर में बन रहा था करोड़ों का आश्रम, मई 2021 में भी इमारत पर की गई थी कार्रवाई। जम्मू के शोपियान में आतंकियों ने एक दुकानदार को गोली मारी, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 6 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, आतंकी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में 4 IED बरामद, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले आईडी को डिफ्यूज किया गया। ईडी के सामने पेश हुए आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता, मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें पूछताछ हुई। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले में एक्शन में सीबीआई, हिंसा समेत अन्य अपराधों में 2 केस दर्ज किए। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों से हटाए आगजनी के आरोप, का पुलिस अपनी खामियां छिपा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले एयर मार्शल वीआर चौधरी, वायुसेना प्रमुख भदौरिया के रिटायर्ड होने के बाद बनेंगे नए वायुसेना प्रमुख। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर लाए गए अध्यादेश में सुधार करेगी महाराष्ट्र सरकार, कैबिनेट ने मंजूरी दी। चांदीवाल कमीशन ने परमवीर सिंह को दिया एक और मौका, 6 अक्टूबर तक कमीशन के सामने हाजिर होने को कहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया, कहा पोर्टल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक होगी और दिल्ली एनसीआर की खराब एयर क्वालिटी को लेकर चर्चा होगी। हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, ई वाहन खरीदने वालों को मिलेगी सब्सिडी। रोहतक में शराब ठेके पर लूट की वारदात, 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद 3 लाख लूट कर भागे बदमाश, वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है तलाश। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाश ने खुद को मारी 3 गोलियां, गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक में रेफर किया गया। हत्या की कोशिश के एक मामले में बदमाश का पीछा कर रही थी पुलिस को आता देख एक घर के छत पर चढ़ गया था बदमाश। यूपी के मिर्जापुर में हत्या के आरोपी की पीट पीट कर हत्या की गई, ग्रामीणों ने पुलिस के सामने पिटाई की, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहा था आरोपी, पुलिस वालों के साथ ग्रामीणों ने धर दबोचा, उसके बाद पिटाई की। यूपी के कासगंज में 48 घंटे में हुआ बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने ही पिता की हत्या की थी। मध्य प्रदेश के पन्ना में लड़की पर एसिड अटैक, दोनों आंखें बुरी तरह से जली, छेड़खानी का विरोध करने पर तेजाब से हमला हुआ। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी सफलता मिली, आजाद मैदान यूनिट में नागपड़ा और कमीटापुरा से 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 80 ग्राम एमडी दवा बरामद। कोर्ट ने गैंगस्टर अश्विन नाइक को किया रिहा, 2015 के वसूली के मामले में अश्विन समेत 2 आरोपी बरी हुए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को मिलेगा 50,000 का मुआवजा। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 31,942 नए केस सामने आए, 279 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 16,675 नए केस, 142 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना से 1,682 लोग पाए गए संक्रमित, 20 मरीजों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,365 नए केस, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 30 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। यूपी में एक दिन में कोरोना के महज 15 केस सामने आए, 1 मरीज की मौत। WHO की रिपोर्ट में खुलासा, दुनिया भर में नए कोरोना मामले में आई कमी। ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता का बयान, भारतीय यात्री को नॉन वैक्सीनेट नियम का पालन करना होगा। ब्रिटेन ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, भारतीय यात्रियों को अब भी रहना होगा 14 दिन क्वारंटीन। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट, आसमान में दूर दूर तक उड़ रहा है लावा और राख, 12 मीटर ऊंची लावा की दीवार स्पेनिश द्वीप के एक गांव की तरफ बढ़ रही है। 120 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे पहाड़ियों से आ रही है लावा, सुरक्षा को लेकर अधिकारियों और मीडिया की एक टीम ज्वालामुखी वाले इलाके का दौरा करने पहुंची। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई।
दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में अपनी सातवीं जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद 8 मैचों में सातवीं बार हार के बाद प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर। सनराइजर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का लक्ष्य दिया। दिल्ली की टीम ने करीब 17 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल की। दिल्ली की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 49, शिखर धवन ने 42 रनों की पारी खेली। कप्तान ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 35 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज एनरिच नॉट्स ने फेंकी आईपीएल 2021 की सबसे तेज गेंद। 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे ओवर में तीसरी गेंद फेंकी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। टॉप के 4 में बने रहने के लिए मुंबई को जीत जरूरी। कोलकाता अंक तालिका में 6 नंबर पर, 8 मैचों में 3 जीत के साथ कोलकाता के 6 अंक। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।